राज्य के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को मौका मिले, इसके लिए रांची सर्किट हाउस में विधानसभा के ध्यानाकर्षण समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता ध्यानाकर्षण समिति के संयोजक नलिन सोरेन और सदस्य प्रदीप यादव कर रहे हैं। बैठक में कहा गया कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 40,000 से कम की नौकरी वाली नियुक्ति हर हाल में स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए और इसका पालन न होने पर कंपनियों पर कार्रवाई का भी प्रावधान होना जरूरी है। और ध्यानाकर्षण समिति की बैठक हो रही है। संयोजक नलिन सोरेन की अध्यक्षता में ध्यानाकर्षण समिति की बैठक हो रही है, जिसमें स्थानीय लोगों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। और ध्यानाकर्षण समिति की बैठक हो रही है, जिसमें संयोजक नलिन सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। ध्यानाकर्षण समिति की बैठक की जा रही है, जिसमें स्थानीय लोगों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की जा रही है। और रांची में आज ध्यानाकर्षण समिति की बैठक की जा रही है नलिन सोरेन की अध्यक्षता में। इसमें स्थानीय लोगों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की जा रही है। और इस पर सीधे जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता अजय जी से। अजी अजय जी, ध्यानाकर्षण समिति की बैठक हो रही है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी में स्थानीय को प्राथमिकता देने की बात आ रही है, तो क्या है पूरा अपडेट बताएं। सोनाली, झारखंड विधानसभा की अपनी एक समिति है ध्यानाकर्षण समिति। हालांकि कई समितियां होती है, आश्वासन समिति होता है, साथ ही कई प्रकार की समितियां होती है, उसी में से एक है ध्यानाकर्षण समिति। इसने विभिन्न जिलों का जब दौरा किया तो यह पाया कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में जो राज्य सरकार की और प्राइवेट नौकरियां हैं, कायदे से उन नौकरियों में 75% स्थान झारखंड के लोगों को देना है और 25% बाहरी हो सकते हैं, यानी कि झारखंड के बाहर के लोग। ये नौकरी ऐसी नौकरी है जिसमें वेतन कम से कम 40,000 रुपया होता है, उससे ऊपर जाने पर ऐसी बाध्यताएं नहीं है। लेकिन जब ध्यानाकर्षण समिति के लोगों ने, इसमें संयोजक हैं नलिन सोरेन और सदस्य हैं प्रदीप यादव, जब इन लोगों ने जिलों का दौरा किया तो यह पाया कि न सिर्फ गैर सरकारी संस्थाएं, बल्कि सरकारी संस्थाओं में जो आउटसोर्स के तहत कंपनियों के तहत जो लोग रखे जाते हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। लिहाजा इस वक्त बैठक हो रही है रांची के सर्किट हाउस में, जो कि सर्कुलर रोड में है, और इसमें तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है कि आपके यहाँ जो आउटसोर्स पर कंपनी रखी गई है, उसमें कितने प्रतिशत कर्मचारी आउटसोर्स में स्थानीय है, यानी कि 75% स्थानीय है, या फिर उसकी संख्या क्या है। पूरा डाटा, इसको एक प्रकार से डाटा को कंक्लूड करके पूरा फीडबैक लिया जा रहा है, और उसी आधार पर आने वाले दिनों में विधानसभा के ध्यानाकर्षण समिति के लोग बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो इस बैठक में हमने देखा रांची नगर निगम के लोग मौजूद थे, रांची के सिविल सर्जन मौजूद थे, बिजली वितरण के अधिकारी मौजूद थे, कई कंपनी के लोग मौजूद थे, और सरकार की तरफ से जो श्रमायुक्त हैं संजीव बेसरा, IAS अधिकारी, वो मौजूद थे। इसका क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर सामने आता है फिलहाल देखना होगा, लेकिन अभी भी ये बैठक चल रही है सोनाली। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और ध्यानाकर्षण समिति की बैठक चल रही है नरेंद्र सोरेन की अध्यक्षता में, जिसमें स्थानीय लोगों लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।